नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। आज शुक्रवार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन को देखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है और कई शहरों में इंटरनेट को बंद किया गया था। बीते शुक्रवार यूपी के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में हाई अलर्ट जारी है। बता दें कि पहले से ही यूपी में धारा 144 लगी हुई है। यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल में है। हम लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक कुल 21 जिलों में इंटरनेट को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि हम किसी निर्दोष को नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन जो हिंसा में शामिल होगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सीएए के विरोध के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा, क्रोनोलॉजी को समझिए आप। पहले वो आपसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा करेंगे, फिर वो सरकार बनाएंगे, फिर वो आपकी यूनिवर्सिटी बर्बाद करेंगे, फिर वो देश का संविधान बर्बाद करेंगे, फिर आप प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो आपको फूल बोलेंगे, लेकिन यंगिस्तान मैदान में डरा रहेगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता प्रदीप मांझी एक विवादित बयान देते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। कांग्रेस सांसद को फोन पर किसी से कहते सुना गया, पेट्रोल और डीजल तैयार रखो, जैसे ही आदेश मिले सब फूंक देना, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यही नहीं, बाद में मांझी ने कहा कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के ऐसे निर्देश पर कोई अफसोस नहीं है। बता दें कि प्रदीप ओडिशा कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध का हीरो लड़ाकू विमान MiG-27 आज वायुसेना से रिटायर हो गया है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में 7 लड़ाकू विमानों ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। विदाई के दौरान MiG-27 को सलामी भी दी गई। MiG-27 ने 3 दशक तक भारत की वायुसेना की सेवा की। बता दें कि 7 लड़ाकू विमानों वाले स्क्वाडन को 31 मार्च 2020 को नवम्बर प्लेटेड किया जाएगा। जोधपुर एयरबेस पर हुई इस डी इंडक्शन सेरेमनी में वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना में MiG-27 की जगह MiG-21 लड़ाकू विमान ने है। राहुल गांधी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उद्घाटन के दौरान उन्होंने रायपुर में आदिवासियों के साथ डांस किया। वीडियो में न सिर्फ राहुल गांधी को नाचते देखा गया, बल्कि वह आदिवासी ढोल बजाते हुए नजर आए। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के साथ राज्य के कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी नजर आ रही हैं। मंच पर मुख्यमंत्री बघेल को भी ढोल बजाते देखा जा सकता है। इस दौरान राहुल गांधी ने आदिवासियों की विशेष पगड़ी भी पहन रखी थी। कजाकिस्तान की अलमाटी में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। यहां एक विमान उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही 2 मंजिला इमारत से टकरा गया। विमान अलमाटी शहर के कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान जा रहा था। इसमें 95 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस विमान में कुल 100 लोग सवार थे। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करना एक विदेशी पर्यटक को भारी पड़ गया। नॉर्वे के रहने वाले जैन मेडे जॉनसन को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। दरअसल जॉनसन ने कोची में सीएए के खिलाफ निकाले गए विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। FRRO दफ्तर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जॉनसन ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उन्हें देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। इसको लेकर जॉनसन ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी पोस्ट किया है। पेट्रोल की कीमत में गुरुवार को 10 दिन बाद बदलाव होने के बाद आज भी पेट्रोल की कीमत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार 27 दिसंबर को पेट्रोल के दाम में 6 पैसे तो वहीं डीजल के दाम में 16 पैसे तक की बढ़ोतरी दिखाई दी है। सलमान खान के घर में बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। गुरुवार रात उन्होंने बर्थडे पार्टी की। पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सेलेब शरीक हुए। सलमान खान ने अपने बर्थडे पर 4-tier केक भी काटा। इस समय सबसे स्पेशल यह रहा कि सलमान ने केक अपने भांजे आहिल के साथ काटा। सोशल मीडिया पर सलमान खान का केक काटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सलमान का केक भी काफी स्पेशल था। पूरा केक स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट था। सलमान ने बहन अर्पिता के बेटे आहिल संग केक काटा। इस दौरान सलमान के पापा सलीम खान और माँ सलमा भी नजर आए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।